धन्यवाद आशिया। इस वक्त हम मौजूद हैं उजियारपुर में। दरअसल में समस्तीपुर जिले के अंतर्गत ये उजियारपुर का लोकसभा क्षेत्र आता है और इस वक्त यहाँ का प्रतिनिधित्व नित्यानंद राय कर रहे हैं जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और सीधे तौर पर उनको चुनावी टक्कर दे रहे हैं आलोक मेहता। आरजेडी के सीनियर लीडर हैं, पिछली सरकार में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री भी थे। लास्ट में जब सरकार बदल रही थी उस समय उनको एजुकेशन मिनिस्टर भी बनाया गया था। बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं आलोक मेहता। पटना में जब हम लोगों की उनसे मुलाकात होती है तो बहुत ही अच्छी बातचीत भी होती है, बहुत पॉजिटिव सोच के वो नेता भी हैं। और नित्यानंद राय जी लगातार पिछले दो टर्म से यहाँ से सांसद हैं, यानी कि 2014 से 2019 और फिर 2019 से 2024। लेकिन जब मैं अभी आ रहा था रास्ते में तो इस इलाके में मुझे पहली बार जब मैं पटना से चला तो छोटी सी सड़क मिली, हालांकि बाद में जाकर के फिर सड़क चौड़ी हो गई। तो ये देश के गृह राज्य मंत्री का इलाका है जहां पर अगर आप अपनी गाड़ी से चलते हैं तो सिंगल लेन में आपको चलना पड़ेगा और अगर आपको साइड लेना है तो फिर सड़क आपको छोड़नी पड़ेगी। नमस्कार, मैं एस के राजीव, आप News 22 स्कोप की खास पेशकश 24 का चौसर देख रहे हैं। दरअसल में प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश में पिछले 10 साल में काफ़ी विकास हुआ है। तेजस्वी यादव बिहार में कहते हैं कि भाई विकास किस चिड़िया का नाम है, वो देश की बात तो छोड़िए बिहार के लोगों को पता तक नहीं है। और यही वजह है कि इन दिनों 3 फेज का चुनाव बिहार में हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, यानी कि 15 सीट पर चुनाव हो चुका है। तेजस्वी यादव यह कह रहे हैं कि भाई 15 में हम 15 जीतेंगे। बीजेपी वाले कहते हैं कि नहीं भाई 15 में हम 15 जीतेंगे और 40 तो क्या, 400 पार का जो नारा है प्रधानमंत्री का उसको भी बुलंद करेंगे। देखिए हमारे साथ यहाँ पर पैनल में बीजेपी के ललन सिंह जी मौजूद हैं। ललन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत स्वागत है। चलिए हमारे साथ आरजेडी की प्रियंका भारती जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। लेकिन आपकी नाराजगी कुछ दूर हुई क्योंकि आप बहुत नाराज थे कि भाई समय की, चूंकि ये पहला बार मुझे अपने जीवन में 24 साल से जितनी आपकी उम्र होगी मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ उस समय से, पहली बार एक ऐसा मुझे कोई नेता मिला जो कहता है कि नहीं मैं समय का बहुत पाबंद हूँ। नहीं तो उमन नेता तो ये कहते हैं कि भाई जनता इंतजार करती है और नेताजी 2 घंटे बाद आते हैं। पर हम लोग एक्टिविस्ट हैं, नेता नेत्री बाद में होंगे। एक्टिविस्ट लोग समझते हैं कि समय का मोल क्या होता है और सभी को समझना चाहिए। इसीलिए मैं गुस्सा नहीं थी, मैं ये थी कि अगर 5 बजे शो बुलाते हैं हम एग्जैक्ट 5 बजे यहाँ पर मौजूद रहते ताकि जो लोग आए हैं उनके भी समय की बर्बादी भी ना हो, आपकी भी ना हो, मेरी भी ना हो। अपने नेताओं से कहते हैं ये बात आप? नेताओं से कहने की क्या जरूरत है, नेता हमेशा ऑन टाइम रहते हैं। हमारे टाइम पे तो नहीं रहते हैं। बीजेपी वाले से पूछिए शायद वो बता पाएंगे, हमारे नेता ऑन टाइम रहते हैं। आपके पास हमारे पास अजीत कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे साथ तो जी हैं, की उम्र ही बता रही है कि आरजेडी को सींचने में इनकी भूमिका रही है। बहुत बहुत बधाई आपको 22 बायोस्कोप को, और हम इस धरती पर आपका स्वागत करते हैं। और यहाँ तेजस्वी लहर चल गया, बिहार बदल एकदम बिल्कुल बदल रहा है, बिहार बदल रहा है। तेजस्वी देश को बदल देंगे, राजनीति छोड़ेंगे अब तेजस्वी जी, देश की राजनीति की राजनीति प्रभावित करते आए हैं। इस इतने छोटे उम्र में कोई ही ऐसा नेता है जिस प्रभावित किया है साथ जादव। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलेंगे बीजेपी के ललन जी के पास। ललन जी, जनता तो बड़ा नाराज है, हम अभी आ रहे थे उधर से तो कई जगह पे रुके, चाय वाय पिए, हमने पूछा लोगों से कि भाई नित्यानंद राय जी विकास किए हैं क्या, तो बोले कि नहीं क्षेत्र का विकास तो कम लेकिन उन्होंने अपना विकास बहुत किया है। देखिए ऐसे विरोधी वाले बोलते ही रहते हैं, सब दिन से ही होते आया। नित्यानंद राय जितना विकास किया है, इससे पहले भी सांसद रहे, ये तो 10 बरस न रहे, 70 बरस से ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इससे पहले कितने सांसद हुए। नित्यानंद राय जितना काम किए हैं उतना किसी ने सांसद काम नहीं किया है। और आज आप मतलब मोदी जी को आप चुनौती दे रहे हैं, मतलब मोदी जी भी इतना काम नहीं किए हैं जितना नित्यानंद राय जी किए। आप बोले हैं यहाँ के सांसद के बारे में, आप बोले प्रश्न पर याद रखिए, आप जब सब प्रश्न करना शुरू किए हैं उसी से कुछ हमको बुझा रहा। लेकिन चूंकि हम डिबेट में आए हैं, लेकिन हम भी कुछ आप इस दिमाग से एकदम निकाल दीजिए, दीजिए ये पकड़िए, ठीक है ये हमारी जिम्मेदारी। हम कहना ये चाहते हैं कि इससे पहले जितने भी सांसद हुए उनके काम के बारे में जानिए और नित्यानंद जी के काम के बारे में जानिए। अगर नित्यानंद जी इतना कोई भी सांसद काम किया होगा
तो आप जो कहिए हम मानने के लिए तैयार हैं। आज आप पहले ही प्रश्न ही आपने ही प्रश्न रख दिया, सिंगल रास्ता देखे थे नित्यानंद जी तो फोर लाइन बनाया, सिक्स लाइन बनाया, और आप प्रश्न ही शुरुआत किए हैं कि नहीं सिंगल रास्ते से आ रहा था, जो मुझे दिखा मैंने आपसे पूछा, ये भी सिंगल रास्ता नहीं है। सिंगल रास्ता था इनके समय, जो अभी बोल रहे हैं विकास नहीं सूझ रहा है, उनके समय सिंगल रास्ता था। हमने तो सबको डबल कर दिया, हमने तो इतना काम किया है कि इस बार पहला बार जीते थे 55,000 से, दूसरा बार जीते 2.5 लाख से, इस बार 4 लाख पार से हम जीतने जा रहे हैं, और देश में 400 पार मोदी की सरकार बनने जा रही है। ये तो कह रहे हैं प्रियंका जी कि भाई इतना काम किया है कि काम का उन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। अभी ये आम जनता जिनके मन में रोष है, काम नहीं होता है तो किसी के मन में भी रोष होता है, आम जनता जिनके मन में इनको विरोधी बता दे रहे हैं, तो नेता को तो लड़ने की हमारी जरूरत नहीं, जनता ही इनका विरोध कर रही है, जनता ही चुनाव लड़ रही है। अगर विकास की होते तो भाजपा के ही लोग, कुछ लोग उधर चप्पल पहन करके पूछे बैठे हुए हैं, पूछिए ना उनसे, हवाई जहाज पे बैठ गए हैं। मोदी जी आए तो सबसे पहले यही कहते ना 2014 में, हर व्यक्ति जो हवाई चप्पल पहनता है वो हवाई जहाज पर उड़ेगा। पूछिए हवाई चप्पल वाले कितने लोग हवाई जहाज पर गए, पूछिए जो लोग बेरोजगार बैठे उनको रोजगार मिला क्या, 2 करोड़ रोजगार किसको मिला? हमको तो 17 महीने का समय मिला, 17 महीने में वो करके दिखाया जो 10 लाख 10 सालों में नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए। सवाल है कि आप कह रहे हैं कि भाई हम 17 महीनों में इतना काम कर दिए, लेकिन चूंकि आप अभी युवा हैं, पढ़ी लिखी हैं, आपने बताया कि आप एक्टिविस्ट भी हैं, आपको लगता है कि बगैर मुख्यमंत्री की सहमति के, चूंकि जो फाइनल जो फाइल होता है वो किसी भी डिपार्टमेंट का, वो जब तक मुख्यमंत्री अपनी कंसेंट नहीं देते हैं तब तक वो काम पास नहीं होता है, तो ये क्रेडिट सिर्फ तेजस्वी के नाम क्यों जाएगा? ये तो मुख्यमंत्री के नाम भी जाएगा, लेकिन क्रेडिट तो आप लोग ले रहे हैं। नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि भाई इस बार जो अलग हुए वो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है, क्योंकि क्रेडिट आप लोग ले रहे हैं लगातार। नीतीश कुमार हमसे अलग हुए उसकी बड़ी वजह ये नहीं, उसकी बड़ी वजह ये है कि भाजपा ने उनका गर्दन पकड़ रखा है, उनको ले करके गए हैं। और नीतीश कुमार जी इतने सालों से 17 सालों से सो रहे थे, ये RJD ने उनका हाथ बांध करके रखा था। मंत्रालय हमारा, विभाग हमारा, विजन हमारा, 2020 का मैनिफेस्टो हमारा, जहां पर हमने कहा कि आते ही हम 10 लाख नौकरी देंगे, रोजगार नहीं, इनके लिए पकौड़ा तलना भी रोजगार होता है, हम 10 लाख नौकरी की बात की, हमने दिया, हमने करके दिखाया, हमको एक चांस मिला अपने आप को प्रूफ करने का, और हमने वो किया। और आज हम 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं, इनका मैनिफेस्टो पढ़ लीजिएगा ऊपर से नीचे, 0 टाइम्स 0 बार ये नौकरी का चर्चा किए, 64 बार मोदी किए हैं। तो जो मोदी मोदी करेंगे वो मुद्दा नहीं करेंगे, हम मुद्दा मुद्दा करते हैं, मोदी हमारे लिए कोई नहीं। बीजेपी कितने नेता साथ? बीजेपी फुल सपोर्ट में है उपेंद्र जी के, और वहाँ कोई किसी से लड़ाई नहीं है। उस पर आएंगे फिर। ये क्षेत्र चूंकि आपका है, आप बता रहे थे कि आप यहाँ जिलाध्यक्ष हैं, कितना डेवलपमेंट हुआ है इस इलाके में? यहाँ डेवलप मेंट इतना हुआ है, जो हम लोग एक जमाने में, इससे पहले जो सांसद थे उस समय हम लोगों को गाड़ी के चक्का जो है रास्ते में टूट के रह जाता था, यहाँ पहुँचने में हमको 2 घंटा लगता, लेकिन आज हमको 25-30 मिनट में हम यहाँ आ जाते हैं। इतना विकास हुआ है, कहीं भी कोई रोड ऐसा नहीं है जो गाड़ी चलने में सहूलियत हो, कोई जर्किन नहीं हो शरीर पर, इस तरह के विकास हुआ है। और ये लोग बात करेंगे, इससे पहले 2G स्कैम 4G स्कैम आपको चपर स्कैम अलकतरा स्कैम, मैंने कौन कौन स्कैम नहीं हुआ है, और मोदी जी के सरकार में बताइए जो कौन भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे साथ और प्रदेश सचिव जी हम के हैं, कितना काम हुआ है, जो कि आप भी इसी इलाके से? काम बहुत ज़्यादा हुआ है, और उन्होंने जो काम कर दिया, विपक्ष के लोग चिल्लाते रह जाएंगे दोबारा वो काम नहीं कर पाएंगे। उसका सीधा उदाहरण अभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज जो उन्होंने उजियारपुर में खोला है, इससे पहले के लोगों ने क्यों नहीं खोला? जी हाँ, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज उजियारपुर, राम जानकी मेडिकल कॉलेज, वो सांसद रहे न रहे उनका नाम निश्चित रहेगा उजियारपुर में। और विकास की बात जहाँ तक बात है, तो 6 लेन से लेकर के कई काम उन्होंने किया है, वो उनको उसी लंबी फेरस दी है। मोदी जी के नेतृत्व में आगे भी वो काम करेंगे, उसका वादा वो कर रहे हैं। जहाँ तक रही उन लोगों ने रोजगार की बात, तो एक बात बताया जाए, क्या घर का मालिक
कोई काम नहीं करता है और घर का छोटा सा सदस्य बहुत सारा काम कर देता है। तेजस्वी जी कहते हैं हम रोजगार दिए, नौकरी दिए, 10 लाख का वादा करके आए, मुख्यमंत्री कौन था? क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में उन्होंने काम किया है कि किसी और के नेतृत्व में? और अगर उनको लगता है कि हमने बहुत काम किया है तो ये बताएं वो कि उनके नाम पर जब वो बच्चे थे तो फिर इतना सारा धन कहाँ से आया, ब्लैक मनी कहाँ से आया? हम लोगों से अपील करेंगे, हम आएंगे फिर हमारे साथ, देखिए हम यहाँ से बात करना शुरू करते हैं। भाई साहब कितना विकास हुआ है, बन चुका है उजियारपुर में 34 करोड़ का भी उजियारपुर जो जो आई होगा, समस्तीपुर 5 विधानसभा चढ़ता है 34 करोड़ को आदरणीय नित्यानंद राय जी उद्घाटन किया है, और चारू मेडिकल कॉलेज बना, राम जानकी मेडिकल कॉलेज सरंजन में बना है, ITI कॉलेज खुला है, शिक्षण संस्थान खुले हैं, और मोदी जी गरीबों के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दे रहा है, और 70 वर्ष की आयु को उसको भी 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। चारों तरफ विकास हो रहा है, एक और विकास हुआ है जो आज तक कभी नहीं हुआ था। गांव की जितनी भी महिला थी लोटा लेके जाती थी शौचालय, बहुत ही गंभीर विकास है, लोटा लेके जाती थी शौचालय, आज वो विकास हुआ है, आप इशारा में समझ सकते हैं, घर घर शौचालय। राजनीति की एक बड़ी विडंबना है, यहाँ पर देखिए दो गुट बट गया है, एक तरफ ये बीजेपी के लोग हैं, उस तरफ वो RJD के लोग हैं, लेकिन हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि कृपया शांति बनाए रखें और इस शो को चलने दें, बहुत ज्यादा हल्ला करने से काम नहीं होगा। चलिए हम इस तरफ आते हैं फिर। भाई साहब अभी आप बता रहे थे उधर, लेकिन बहुत गुस्सा कंट्रोल की, कहते हैं कभी लिखे हैं बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरू मूल। बड़ाई करने से नहीं होता है, बेटा कलेक्टर होता है, बाप नहीं कहता है मेरा बेटा हो गया लड़की है, माल कहता है कभी कभी लिखे हैं तारीफ तुम्हारी तब थी, लाते लड़कर सा चोरी से, एक पड़े है नारी को लाए हो बहुरू बुलाकर चोरी से। उस दिन को भूल नहीं जाइए जब 50,000 रुपया बैंक से लेकर लोक लेके चलता था और उसको छीन लेता था रास्ता में, बहु बेटी सबका खेत में जाते थे, अभी उसका शौचालय बन गया। सुनिए जितना काम विकास हुआ अभी बोरा लेके जाते हैं, बिना पैसा का नाज उठा के चलाते हैं, उस समय में कहानी नहीं था। देखिए इधर RJD हुए, हम इनसे भी बात करते हैं। बाबा बैठ जाइए। सर ललन बाबू ने कहा आज आलोक मेहता 2004 से 9 तक सांसद थे, 950 किलोमीटर सड़क दिया, नित्यानंद राय बता रहे ये कितना सड़क दिए प्रधानमंत्री सड़क योजना से, आलोक मेहता ने 950 किलोमीटर समस्तीपुर लोकसभा को दिया था, और मेडिकल कॉलेज तेज प्रताप जी थे स्वास्थ्य मंत्री उस समय स्वीकृत हुआ, आज कह रहे हैं हम दिया मेडिकल कॉलेज जब हमारी गठबंधन की सरकार थी, मैंने दिया नौकरी, मैं 80 विधायक के साथ सरकार को समर्थन दिया, मेरे विजन पर काम हुआ और 5 लाख नौकरी हुआ। बताइए भाई साहब, आप मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि मेरे आलोक कुमार मेहता द्वारा 2004 में क्या विकास हुआ, 950 किलोमीटर रोड श्री आलोक कुमार मेहता जी ने उनके कागजों से पारित हुआ, उन्होंने समस्तीपुर जिला को पिछड़ा जिला घोषित करने में उनकी योगदान थी, उन्होंने युवाओं के लिए आपकी सरकार में सड़क कहाँ थी भाई, सड़क तो नजर नहीं आ रही थी। बता रहे हैं हमारी सरकार से पहले यह बिहार की जो स्थिति थी वह गड्ढे की स्थिति थी, और माननीय लालू प्रसाद यादव ने वहाँ पे ईट करण कराने का काम किया, जो विकास जिस समय जो जितनी पूंजी थी उस ढंग से उन्होंने काम किया और उन्होंने भी विकास किया। जो लोग बोलते हैं कि नित्यानंद राय काम किए हैं, तो मैं लोहागिर पंचायत से आता हूँ, एक RO ATM के सिवा उन्होंने आज तक एक भी काम नहीं किया, और पूरा RJD में है एकदम पूरा देख रहे। चलिए इनसे बात करते हैं, भाई साहब कितना काम किया है नित्यानंद राय जी ने? काम के नाम पर नित्यानंद राय जी 0 काम किए हैं, यहाँ सिर्फ करप्शन का बढ़ावा किया है, और हिंदू और मुस्लिम करके वोट लेने का उन्होंने काम किया है। आज करप्शन का स्थिति ये है कि आप पंचायत से शुरू कीजिए, करप्शन बढ़ गया है इस इलाके में बहुत अति है, करप्शन का यहाँ स्थिति ये है कि 100 में 80 करप्शन ही है। आज पंचायत से शुरू कीजिए, पंचायत सचिव करप्शन, कुछ को दस्तखत कराने जाइए वो बिना पैसा का जो है काम नहीं करेगा, अंचल में चल जाइए मोटेशन का फीस अभी 10,000 रुपया हो गया है, आप चल जाइए इंदिरा आवास के लिए जो प्रधानमंत्री आवास है उसका 25,000 रुपया फीस हो गया है, और इसी तरह हर एक योजना में
जो 5% कमीशन था पहले, वो अभी बढ़ के 15 से 20% हो गया है। जनता त्राहिमाम कर रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है, जो 5 किलो अनाज उन्होंने फ्री दे दिया है, वो कोई फ्री नहीं है। पहले भी आपके पास भाई साहब करप्शन बढ़ा है ये? बिल्कुल करप्शन बढ़ा है। आप ब्लॉक में चले जाएं, एक भी कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है जहां बगैर घूस के काम होता है। जहां दाखिल खारिज के लिए जो है तो यहां पैसा जो है 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार लोग मांग रहे हैं, और जिससे आम जनता परेशान है। नित्यानंद राय जी के शासनकाल में, मोदी जी के शासनकाल में सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कोई विकास का जवाब लेते हैं। बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं भाई साहब। जनता का ये कहना है कि बगैर पैसा दिए हुए काम नहीं होता। अभी मोदी जी के सरकार में ऑनलाइन काम होता है, उसमें कहीं करप्शन नहीं है। इनके सरकार में होता था जो स्वयं राजीव गांधी बोले थे 100 रुपया भेजते हैं 10 रुपया मिलता है। यहाँ तो जो पैसा आता है खाता से आता है, एक भी कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। और ये लोग बात करते हैं विकास नहीं दिखाई देता है। इनके समय में इनके जो सुप्रीम नेता वही कहते थे रोड की क्या आवश्यकता है, कहीं बिजली था क्या? इन लोगों से जाके पूछिए, मोदी जी के विकास योजना से इसमें बैठे हुए एक भी आदमी बचे हुए हैं क्या? कौन नहीं 5 किलो अनाज लेते हैं? किनके परिवार में आयुष्मान कार्ड नहीं बना है? इनके इनसे जाकर के पूछिए किनको नहीं वृद्धा पेंशन मिल रहा है? इनसे जाकर के पूछिए यूरिया कितना में मिलता था, आज कितना मिल रहा है? इनसे जाकर पूछिए इनके समय में बिजली था, आज घर की कोई झोपड़ी नहीं बचा है जहां बिजली नहीं पहुंचा है। इनके समय में था बिजली? इनके समय में अभी ये बताते हैं गैस की दाम की बात करते हैं, इनके समय में पहले गैस मिलता था 12 बजे रात में लोग जाते थे। मोदी जी के सरकार में कोई कर रहा हूं। बिहार में जो करप्शन की बात है वो गलत है। अब किसी में करप्शन नहीं है। अब आपको जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, जमीन का जो है दाखिल खारिज जो करप्शन है, किस जगह करप्शन है? रह गई करप्शन जो है, नीतीश कुमार जी जो दारूबंदी किए तो उन्हीं लोगों के द्वारा दारू में जो है से भ्रष्टाचार फैला लिए है उन विरोधियों के द्वारा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यही आलोक मेहता कोऑपरेटिव घोटाला किए है, यही आलोक मेहता वो जो ट्रांसफर घोटाला किए हैं, यही आलोक मेहता जो कोल्ड स्टोर में आलू घोटाला किए हुए हैं। और क्या ये लोग जनता की बात करेंगे भाई? ये तो कह रहे हैं कि करप्शन राज में था, और आलोक मेहता पर तो कई उन्होंने कई घोटाला किया है, आरोप लगा रहे हैं ये लोग। अब मैं बता रही हूँ आपको, करप्शन की बात ये लोग कर रहे हैं। इतने लोग बैठे हैं, आप खुद हमको लगता है वैक्सीन तो लगवाए होंगे, हम भी लगवाए हैं। आप कल जिंदा बचेगा कि नहीं, हम कल जिंदा बचेंगे कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। 52 करोड़ चंदा लिए ये लोग, चंदा लेके वैक्सीन बनाने वाले को दे दिए। उस वैक्सीन के कारण एस्ट्राजेनेका ने खुद आज सारे वैक्सीन पूरे दुनिया भर से वापस मंगवा लिए हैं। खबर साफ साफ पता चली कोर्ट में कि उससे ब्रेन स्ट्रोक होगा, उससे हार्ट अटैक होगा। ये जितना लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे, कल जिंदो बचेगा कि नहीं, इनको मालूम नहीं। अब रही रोड की बात करें तो रोड बनवाए ये लोग, बनवाए काहे के लिए रोड बनवाए थे? इसलिए कि कोविड के दौरान, कोरोना के दौरान में बिहार के लोग पेट में गमछा बांध करके हजारों किलोमीटर पैदल चल के आने को मजबूर हो। वो रेलवे के पटरियों पर कटी हुई लाशें, बिखरी हुई रोटियां हम भूल जाएंगे? गंगा में बहती लाशों को हम भूल जाएंगे? कितने लोगों को इन लोगों ने मरवा दिया? नरेंद्र मोदी के हाथों पर पुलवामा के सैनिकों के खून लगे हुए हैं, हमारे कोरोना के दौरान मरे हुए भाई बहनों के खून लगे हुए। इन लोगों की सरकार तो गलती से नहीं आएगी, क्योंकि आ गई तो लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं। ये तो जनता तय करेगी किसकी सरकार आएगी। देखिए सर, इनसे पहले पूछिए इनका प्रधानमंत्री का चुनाव है, प्रधानमंत्री का इनका उम्मीदवार कौन है? ये ऐसे बरियाती लेके चले जिनमें दुल्हे नहीं है। इनका जी बड़ा सवाल है, प्रधानमंत्री का आपका उम्मीदवार कौन है? प्रधानमंत्री, अच्छा ये बताइए इनको कि प्रधानमंत्री जो कहते पढ़ते दुल्हा कौन है कहते रहते हैं ना, इनके मुंह से दुल्हन का ही नहीं निकलता है। ये लोग कभी महिला के बारे में नहीं सोचेंगे। बीजेपी ने पूरे बिहार में 0 महिलाओं को टिकट दिया, पूछिए क्यों नहीं महिला को टिकट दिया? नहीं समझते कि राजनीति में महिलाओं की जरूरत है? राजद वो पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट आप लोगों ने कम दिया। महिला का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने जितना किया 33% आरक्षण दिया है। 2000 में आप लोग कहां दिए हैं? आ रहे हैं 2029 से लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण नरेंद्र मोदी देने का काम किया। साथ ही बिहार में नीतीश कुमार 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है।
जितना सम्मान महिलाओं को दिया, इनके समय महिलाओं के शौचालय जाने की कोई व्यवस्था थी, हमने सब महिलाओं के लिए घर घर इज्जत घर खुलवा दिया। महिला का सम्मान हमने राष्ट्रपति, महिला का राष्ट्रपति बना करके हमने महिला का सम्मान दिया। इन लोगों ने बतावे जो सिर्फ महिला का सम्मान लालू जी की पत्नी को मुख्यमंत्री बना करके बनाए, समझ रहे हैं। हम आएंगे आपके पास, आएंगे फिर। ये बताइए कि बिहार में करप्शन आपको लगता है कि बढ़ा है? मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार में करप्शन, जो बीच में सरकार आरजेडी की बनी थी गठबंधन से, उन लोगों ने करप्शन किया जिसके चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इन लोगों को छोड़ कर दे। उसका सीधा सा उदाहरण है कि जब इन लोगों ने अंचलाधिकारी का ट्रांसफर किया, उसमें बहुत बड़ा अरबों रुपए का करप्शन था जिसको उन्होंने रद्द करके खत्म करने का काम किया। दूसरा, वैशाली जिले में 100 जो यहाँ के वर्तमान प्रत्याशी हैं आरजेडी के, उनके द्वारा 100 करोड़ का सहकारिता विभाग में घोटाला किया गया है। वही कर उन्होंने जाता था, कितनी माताएं की गोद सुनी होगी, क्या जब आरजेडी की सरकार थी तो कब से कर ये लोग आरजेडी वाले हैं, कांग्रेस वाले हो, ये तो अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको कहीं से बिहार में 40-40 जाना ही है, अपना बहुत सीट पर तो इनका जमानत नहीं बचने वाला है, ये लग रहा है। तो खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, ये लोग खिसियाए हुए इसलिए हल्ला कर रहे हैं। हम और भी लोगों के साथ बात करेंगे। आपको लगता है कि बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा है? बिहार में भ्रष्टाचार जो किया गया था जो पूर्व की सरकार के द्वारा, अभी देख लीजिए 17 महीना में तेजस्वी यादव ने 17 महीना में जितना भी चारा चोर से लेकर के जो भी डकैत था, चोर था, क्रिमिनल था, सभी लोग हर जिला में 4 जगह 5 जगह जो है, यहाँ पर एक जिला में 4 जगह 5 जगह दैनिक गोलियां चलती थी। और देख लीजिए फिर जो है एनडीए की सरकार आई है, यहाँ पर सरकार आई है बिहार में नीतीश कुमार के साथ, तो देख लीजिए पूरे शांति वातावरण का माहौल है पूरे बिहार में। और 17 महीना में इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लुटखोरी लगाया है। वो तो देखा जाए 2002 से पहले का जो पूरे बिहार में क्या शासन चल रहा था, उसको देख करके आप लोग खुद ही जो अनुमान लगा सकते हैं कि 2002 और अभी 2024 में के अंतराल में कितना जो करप्शन घटा है या बढ़ा है, आप खुद ही जो अंदाज लगा सकते हैं। और वो लोग जो बोल रहे हैं विकास विकास विकास, अब जहाँ पे डिबेट हो रहा है, जहाँ पे डिबेट हो रहा है उससे हल्का ही पीछे देखा जाए कि जो माननीय गिरिराज मंत्री नितिन राय के द्वारा 2 लाइन जो कि बिशनपुर से लेकर के दलसिंहसराय तक जो दिया गया है, जो कि अभी काम जो चालू है, मतलब 80% हो गया, 20% जो बच्चल है वो भी बहुत जल्दी ही काम जो पूरा हो जाएगा। राजनीति में परिवारवाद कितना सही मानते हैं आप भाई साहब? परिवारवाद तो उन्हीं लोगों में है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए तो निष्पक्ष है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। और ये उजियारपुर लोकसभा के जो सांसद हैं श्रीमान नित्यानंद राय जी, ये अभी माननीय गृह राज्य मंत्री हैं, देश में देख रहे थे कितने होटल बम ब्लास्ट से उड़ रहा था, अभी देखा जाए जो देश एकदम स्वच्छ की ओर चल रहा है, कहां बम ब्लास्ट हो रहा है, कहां क्या हो रहा है, स्वच्छ है देश की आंतरिक सुरक्षा, देश की सीमा सुरक्षा सब नित्यानंद राय के पास है, सब आते हैं। एक बड़ा सवाल है बाबा, आप ये बताइए, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि आलोक मेहता जी जब भूमि सुधार राजस्व मंत्री थे तो उन्होंने काफी भ्रष्टाचार किया था और यही वजह है कि उनसे उनका मंत्रालय बात। बिल्कुल गलत बात है, ये लोग जितना बात कर रहे हैं उनके समय में बहुत बड़ा विकास हुआ। के पाठक की बात नहीं मानता पर मुख्यमंत्री की बात, मुख्यमंत्री के पाठक की बात को नहीं मानता के पाठक मुख्यमंत्री है नीतीश जी, एक भी महिला समझ नहीं आता। के पाठक एसीएस होके मुख्यमंत्री जी की कोई आदेश को नहीं मानते, ऐसे में तो मुख्यमंत्री को हट जाना चाहिए, के पाठक को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। आलोक जी ने काम किया था जब थे वहाँ मंत्री, बड़ा काम किया उन्होंने, उन्होंने सारा आदेश लाके सभी पदाधिकारी को बुला के समय कम मिला उसमें उन्होंने पूरा काम किया। चलिए हमारे साथ और भी लोग हैं भाई साहब, आप पूरा उठ जा रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, इसलिए जो सबसे पहले मुद्दा था जो सहारा का, वो लोग बोलते हैं जो चारा चोर है, ये सहारा चोर है, अमित शाह जी सहारा चोर है।
भाई ये लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि आलोक मेहता जी ने भ्रष्टाचार किया, कहां भ्रष्टाचार किया बता दे, कहीं पर बता दे भ्रष्टाचार ने कहां भ्रष्टाचार किया उस क्षेत्र में, आप जाकर जनता से पूछ लीजिए कि आलोक कुमार मेहता कितना काम कर रहा है, नित्यानंद जी क्या कर रहे हैं, नित्यानंद काम किया तो पूरे उजियारपुर में हमको बताइए कि बीजेपी के सांसद है उनका स्कीम बोर्ड कहां लगा हुआ है, कोई भी योजना, कोई भी योजना का काम होता है तो उसका स्कीम बोर्ड होता है, आप उजियारपुर में हमको बताइए हर जगह जगह पे लगा हुआ है बोर्ड, देख लीजिए कहां भ्रष्टाचार किया वो बताएंगे, हर जगह आलोक कुमार मेहता का बोर्ड लगा हुआ है, उनके पंचायत में आज तक रोड जाकर देख लिया, उनके पंचायत का भी रोड क्या क्या है, उनके पंचायत का भी रोड का स्थिति जाकर देख लिया, अगर इतना ही काम किए थे बोर्ड का है उनका, भाषा बैठिए आप इधर बैठिए जी, बताइए आप इन लोगों का आरोप है कि भाई बहुत बेहतर काम कर रहे हैं नित्यानंद राय इसी जी, सर आलोक मेहता जो है अच्छी काम कर रहे हैं और इस बार जो है संसद जो है वही बने, इनको संसद बनने से कोई रोक नहीं सकता है, नित्यानंद राय काम किए तो कहाँ दिख रहा, दिख कहाँ रहा, कहीं पंचायत में कहीं काम नहीं, जहाँ देखिए आलोक कुमार मेहता उजियारपुर पूरा विधानसभा आलोक कुमार मेहता जब विधायक थे और अभी हैं पूरे में आलोक मेहता का बोर्ड लगा हुआ, हर जगह आलोक मेहता, नित्यानंद राय कभी झांकने नहीं आता, जो लोग बैठे उनसे पूछ लीजिए अपने पंचायत काम किया है नित्यानंद राय जी ने, काम किया है, हमारा सवाल दोनों पार्टी से है उनको बताइए, जो हमारे यहाँ जो शराबबंदी का कानून जो लाया गया हमारा खुला यहाँ पर एक रुपया ट्रेजरी में नहीं जा रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में हर ब्लॉक में हर पंचायत में हर मोहल्ला में दारू रहा है, ट्रेजरी में एक रुपया नहीं जा रहा है, अभी % राजस्व जीडीपी बिहार का जीडीपी सबसे आता था और आज वो बढ़ गया, इसको क्यों नहीं खोला जाए और बिहार पतन की ओर जा रहा है, और यही सवाल हम आज निवाले से करते हैं, अगर अगर ये जीत के गए तो उस राजस्व को बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, ये लोग भी जवाब दे, दरअसल में यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं बट गए हैं, देखिए एक तरफ बीजेपी के लोग बट गए आरजेडी और यही वजह है कि यहाँ पर हंगामा बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई नित्यानंद राय जी ने बहुत काम किया है, ये लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, अब इस शो को चूंकि यहाँ पर लोकल जो हमारे संवाददाता है रोशन, चूंकि इस क्षेत्र को बेहतर तरीके से वो जानते भी हैं, आइए रोशन और अब आप इस शो को आगे बढ़ाइए, जनता से सवाल पूछिए क्योंकि यहाँ के आप लोकल हैं तो आपको ये बेहतर पता है कि यहाँ पर क्या समस्याएं हैं जी, यहाँ पर अब लोकल जनता से बातचीत करते हैं तो क्या क्या समस्याएं हैं और लोगों क्या क्या मुद्दा है उनको लेकर के आइए हम जनप्रतिनिधि से बात करते हैं जो क्या क्या मुद्दा यहाँ पर जो आपकी जब सरकार थी तो कहीं न कहीं बीजेपी वाले मुद्दा उठाते थे जो नहीं भाई क्षेत्र में काम नहीं हो रहा था, अभी अब जो नया दोनों आलोक मेहता जी आ रहे हैं नित्यानंद राय जी, क्या लगता है जो किस लेकर के आप क्षेत्र में उतर रहे हैं था, सुनिए तो मुद्दे की होना चाहिए, हंगामा हो चुका है, मतलब भूखमरी में इसकी हालत इतनी खराब है, आज तक 80 करोड़ लोगों को क्यों अनाज देना पड़ा है, क्यों अपने गरीब बना करके रखा है, आप 2000 किलो मशरूम खाइए और जनता ये, हम बराबरी की बात करते हैं इसलिए हम 1 करोड़ नौकरी की बात करते हैं, साथ ही साथ हम ये भी बोल रहे हैं कि मांगे 10 किलो अनाज भी देंगे नौकरी के साथ साथ अनाज, और महिलाओं को 1 लाख, ये 1 लाख वो मत समझिए 15 लाख वाला देंगे, क्योंकि अभी आपको मालूम होगा बिहार में हमने जातिगत जनगणना करवाई थी जब हमारी सरकार आई थी, बीजेपी वाले उसका विरोध कर रहे थे, अभी भी 400 पार का नारा चिल्ला रहे ताकि संविधान बदल दे आरक्षण को खत्म कर दे, हम यही चाह रहे हैं, हम आएंगे 75 आरक्षण हमने दिया ना, 94 लाख परिवार ऐसे मिले थे जो बेहद गरीब थे, हम 2-2 लाख उनको देने वाले थे, लोग रोक दिए हैं क्योंकि ये जनता की भलाई नहीं चाहते, उजियारपुर में उजाला तभी होगा जब यहाँ आलोक मेहता जी चुन करके आएंगे, एक तरफ वैसे व्यक्ति है तो के लिए जाने बोले ना उनसे मिलते हैं सभी को से नेता है, जो मनी नहीं कहीं नहीं बेरोजगार है उसको लेकर के आप क्या किस ढंग का काम कर रहे हैं, जब हम 1 करोड़ रोजगार 1 करोड़ रोजगार नौकरी की बात कर रहे हैं तो हम जब नौकरी दिए 5 लाख तो हमने कोई जाति देखी, हमने कोई धर्म देखा, हमने सभी को बराबर से हक दिया,